हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा, पैर छोकर धन्य कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज आप लोगों को मैं कबाड़ से जुगाड़ वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने बनाया क्या है। 2 लीटर की बोतल से मैंने कुछ बनाया है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। लेकिन मैंने कैसे बनाया ये तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैंने बनाया हुआ है क्योंकि कल शाम को रात को मैंने बनाया हुआ था उसको, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि मैंने बनाया क्या है। देखिए मेरे कितने सुंदर सुंदर मुंडे हिलाने वाले भी प्लांटर हंसते खेलते झूमते रखे हुए हैं। और फिर इधर साइड आप लोग देख सकते हैं, और ये अन्य चुन्ने मुन्ने। चलिए बैक कमरे से दिखाते हैं। 2 लीटर की बोतल थी मेरी, तो मैंने उसको कट किया हुआ है। और देखिए कितना सुंदर सा DIY प्लांटर मैंने बना करके रेडी किया हुआ है। अभी इसमें से प्लांट नहीं लगाया मैंने, सिर्फ बनाया है इसको। देख सकते हैं आप, ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बताइएगा। और ये पहली बार मैंने ये वाले कलर यूज़ किए हैं, अभी तक तो मैं दूसरे कलर यूज कर रही थी। आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पहले कौन से कलर यूज़ कर रही थी, अब कौन से कलर यूज करने लगी हूँ। तो पहले मैं तेल वाले कलर से बनाती थी, अब ये एक्रेलिक कलर लिया हुआ है तो इससे मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा ये मेरा कैसा प्यारा लग रहा है, क्योंकि तेल वाले कलर की खासियत है कि वो जैसे मतलब ब्रश में बोल लेते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो वो बह जाता है। और ये वाला कलर है एक्रेलिक जो कलर आते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये मतलब बहते नहीं हैं। और उसमें हम एक साथ में भी अपन कई सारे कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हम एक कलर पहले सूख जाए फिर हम दोबारा कलर कर पाएंगे, साथ में ही नहीं कर सकते। तो इसी से मैंने बनाया है। तो आप लोगों को ये मेरा DIY प्लांटर कैसे लगा। और इसी तरह अभी मुझे इसमें से होल करना है, होल करने के बाद मैं इसमें से प्लांट लगाऊंगी, फिर इसको अपने गार्डन में रखूंगी। देखिए कितने सारे मैंने इधर बना बना के रखे हुए हैं, मतलब ये सारे DIY प्लांटर मेरे रखे हुए हैं, इधर भी मेरे सारे DIY प्लांटर रखे हुए हैं। सारा अपना गार्डन कबाड़ से ही जुगाड़ करके सजाती रहती हूँ, जो भी मुझे प्लास्टिक बोतल मिल जाती हैं उन सभी का यूज अपने गार्डन करती हूँ। देखिए मैंने ये जब बनाए थे कितने प्यारे प्यारे थे, कितने सुंदर सुंदर से बनाए थे। ये तेल वाला कलर से मैंने इनको यूज किया, देखिए कितने वैसे तो साफ बन गए हैं, सुंदर भी लग रहे हैं, कोई ख़राब नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत होती है वो अपनी मेहनत तो अच्छी लगती है, देख सकते हैं आप। और ये भी कलर हैं, ये भी कभी ख़राब नहीं होते, इसी तरह बने रहते हैं, अच्छे लगते हैं, कभी ख़राब नहीं होते, इसी तरह रहते हैं फ्रेंड। और कभी भी ये पेंट जो कभी निकलता नहीं है। इधर साइड भी मेरे देखिए कभी दिनों से ये इसी तरह रखी हुई हैं, कई साल से, मतलब ये जो पहले से मेरा पेंट हुआ था ये भी कभी निकला नहीं है, इसी तरह लगा हुआ है ये कट्टी। और ये भी कट्टी मेरी देखिए रेड कलर मैंने इसमें किया हुआ है। काफ़ी सारी जो कट्टियाँ हैं उनमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे कलर किए हैं जो निकले नहीं हैं। देखिए इसको भी मैंने बनाया, ये ज़मीन में ही रखा था, इसका भी कलर नहीं निकला है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनका कलर जल्दी निकलता नहीं है, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो, कुछ भी मौसम हो, निकलता नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसमें से कौन सा, अभी तो मुझे इसमें होल करना है, होल करने के बाद मैं इसमें से कौन सा प्लांट लगाऊं। ऐसे तो मैं आप लोगों का भी रख के दिखा दे रही हूँ, कुछ क्या रखूं, क्या बनेगा इसमें से देखती हूँ। देख सकते मैंने इसमें से जेड प्लांट रख दिया हुआ है, और देखिए कितना खूबसूरत मेरा ये प्लांट लग रहा है। प्लांटर्स ऐसा प्लांटर्स मुझसे पहली बार बना है, वैसे तो ऐसी सेम डिज़ाइन मुझसे बनती थी फ्रेंड। मैं आप लोगों से सच में बता दूं कि मैंने कभी DIY प्लांटर कभी नहीं बनाया। जब मैंने पहले वीडियो बनाती थी तो कभी मुझसे एक भी पेंटिंग कुछ नहीं बनता था। अब है तो थोड़ा बहुत बन जाती है, लेकिन पहले मैं कभी नहीं पेंटिंग करती थी, कभी भी जब पढ़ाई करते थे, जब ऐसे आर्ट कला थोड़ा बहुत जैसे कमल और गुलाब इस तरह बनाया करते थे, लेकिन और किसी चीज़ में पेंटिंग नहीं किया करते थे। लेकिन अब है तो धीरे धीरे देखिए बनने लगे हैं, और सुंदर DIY प्लांटर कुछ मतलब ज़्यादा सुंदर तो नहीं बनते, लेकिन जिस तरह से बनता है मैं बना लेती हूँ और अपना गार्डन सजा लेती हूँ, देख सकते हैं आप। मतलब इतना अच्छा तो मैं पेंटिंग कलाकार नहीं हूँ, लेकिन जितना बनता है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कोई चीज़ के लिए मुझे अटकना नहीं पड़ता, मैं अपना काम खुद करती हूँ, और चाहे जैसे भी बने खुद करती हूँ, चाहे जैसी भी DIY मुझसे बने, चाहे जैसा भी कुछ भी हो, खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। और भले ही मैं YouTube से और स्क्रीनशॉट लेकर देख लूँ, बट मैं बनाती खुद हूँ, किसी की कोई हेल्प नहीं लेती हूँ, खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी, आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जैसी भी DIY प्लांटर बनाना चाहें बना सकते हैं, जिस तरह से आपसे बनते हैं उस तरह आप बना लें।
ये नहीं है कि मुझसे ये प्लांटर नहीं बन रहा तो मैं इसको ना बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी आपसे बन रहा है वैसे आप बना ले। मैंने इसको कल रात में ही बनाया था, कोशिश कर रही थी बनाने की, लेकिन फिलहाल इस तरह से बना है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया लेकिन बन गया है। अब मैं और आज तो नहीं बना पाऊँगी, फिर कल मैं बनाऊँगी। जो भी DIY प्लांटर बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मुझे बनाना भी है, काफ़ी सारे प्लांटर्स बनाने हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मुझे बनाना क्या है। तो आप लोग बताइएगा मेरे वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। देखिए जब मैंने इनको बनाया, मेरी खासियत है जैसे भी मैं कोई DIY प्लांटर बनाती हूँ बस उसको ला के अपने गार्डन में रख देती हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो देखिए मैंने इनको इतना सुंदर बनाया था, लेकिन बारिश के कारण इनका नाक वाक सब वाल पुट्टी है, ख़राब तो हो जाती है, तो नाक वाक इनकी सब निकल गई थी। नहीं मैंने बहुत मेहनत करके इन सभी को बनाई हुई हूँ। और इधर एक मैंने इसको ये बनाया था, फिर ये तेल का रिफाइंड का, मेरे गार्डन में हर चीज़ का यूज है आप लोगों से बता दूँ। प्लास्टिक कट्टी, रिफाइंड की कट्टी, प्लास्टिक बोतल और पाउडर का डिब्बा, शैम्पू का डिब्बा, और बता दूँ आप लोगों को फिनाइल की बोतल, आला की बोतल, हर चीज़ का मेरे गार्डन में यूज है। और ये है देख सकते हैं आप, ये मेरे शैम्पू का डिब्बा है, इसमें से मैंने लगाया है, देख सकते हैं आप। ये इधर से इसके लिप्स निकल गए इसके लिप्स निकल गया। ये मेरे शैम्पू का डिब्बा हुआ था, शैम्पू के डिब्बे से मैंने इसको बनाया था, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया था तो उस टच हो गया, तभी है उसका निकल गया है। तो कैसे लगे मेरी आप लोगों को प्लांटर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा गार्डन आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से ही बनाती हूँ, तो आप लोग बताइएगा मेरा आप लोगों को गार्डन कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लावर खिल चुके हैं, ये गुड़हल के देखिए, और ये इधर साइड अलमंडा खिला हुआ है गुड़हल, और इसमें देखिए ये वाले गुड़हल में कितनी सारी बड्स लग चुकी हैं। ये गुज्झे में देखिए, ये गुज्झा वाला है और इसमें बड्स कितनी सारी लगे, जब खिलेगा तो पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखें, इनको धूप में रखें, जितना ज़्यादा आप धूप में रखोगे उतना ज़्यादा इसमें से बड्स लगेंगी और फ्लावरिंग भी होगी, इस बात का ध्यान रखें। और इधर साइड देख सकते हैं आप, और उधर साइड देख लीजिए मेरा कड़ैल में कितने सारे अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, कड़ैल का मेरा लगा हुआ है। और ये देखिए कितने खूबसूरत इसमें से फ्लावर खिल चुके हैं, मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर ही फ्लावर खिल चुके हैं। यहाँ से देखिए आप ऐसे, ज़्यादा बड़ी मतलब मेरी छत नहीं है, छोटी सी छत है मेरी, बस छोटी सी छत में ही मेरा गार्डन सजा हुआ है, और सब कुछ मैं अपनी इसी छत में से जितने भी पेड़ पौधे मेरे रखे हैं। और ये मेरा कितना सुंदर है सिनकार के तेरी लियूं नजर उतार, कितना प्यारा है। फ्रेंड क्या होता है कि अगर हम कुछ भी बनाते हैं उसमें मेहनत लगती है तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, चाहे जैसा भी बना हो, है ना। तो बाय बाय, लव यू माय गॉड, लव माय फ्रेंड, बाय।